दरबार के लोग हैं जहां इनके पिताजी बैठते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। और आज हम दोनों एक दूसरे को शिकायत कर रहे थे कि मैंने कहा कि आप हमको भूल गए, इन्होंने कहा कि आप हमको भूल गए। सही बात है, हम दोनों एक दूसरे को भूल गए हुए हैं, लेकिन आज मिलन हुई और सबसे आध्यात्मिक मित्र हमारे हैं कृष्ण कृपा दास जी। बड़ा ये इस्कॉन पटना बिहार के बड़े ही श्रेष्ठ संत हैं। और मैंने जब एक आश्रम बनाया गुड़गांव में तो इनकी बड़ी प्रेरणा थी। इस्कॉन में सबसे पहले इन्होंने ही मुझे भर्ती किया, लाइफ पेपर बनाया और उसके बाद तभी पटना में बैठ गए। हम गुड़गांव चले गए, वहां आश्रम बनाया मैंने और इनकी पता नहीं कैसी कृपा हुई। इन्होंने कहा कि महाराज जी आप कहां कहां दौड़ते रहिएगा, एक आश्रम में बंद बंद रहिए। हमने कहा कि इसको क्या करें, इस आश्रम को इतना विशाल आश्रम 300-350 लोगों के रहने की जगह है, वहां रोज हरे कृष्ण का गान होता है, पूजा पाठ सब होता है। तो इन्होंने कहा कि आप दूसरा बनाइए, इसको आप इस स्कॉन को दे दीजिए। मैंने कहा कि दे दिया और तब से वह पूरा आश्रम इस स्कॉन के अंदर में चल रहा है। मुझे खुशी कब होती है, मैंने दो ही मांग की थी स्वामी जी से। मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जब तक हम लोग सक्रिय हैं केवल कृपा करके इतना कर दीजिए कि वहां प्रभु का नाम 24 घंटा होता रहे। इन्होंने कहा कि यह हो जाए। दूसरा मैंने कहा कि एक भंडारा चलता रहे युग युगांतर तक। आज मैं देख रहा हूं वहां के 700-800 गुड़गांव में वहां लोग प्रतिदिन 1000 आदमी 1200 आदमी प्रतिदिन आज भी भगा कार्यक्रम चल रहा है वहां और एक किसी का काम हो रहा है, भंडारा चल रहा है। इनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हमारे बगल में डॉक्टर के सी सिन्हा साहब बैठे हुए हैं, इनका तो नाम लेकर ही बच्चे लोग पास कर जाते हैं। घर पर बैठे बैठे नाम ले लेगा लोग पास कर जाएंगे। संयोग से अभी मेरे साथ आ गए, मैंने कहा कि भाई कुछ हमारे बच्चों को भी मदद करिए, आपका इतना नाम है। संयोग समझिए कि मैंने कहा पटना सेंट्रल स्कूल और कृष्णा निकेतन के बच्चों को कम से कम सप्ताह में एक दिन आके हमारे बच्चों को आप पढ़ा दिया करें, मांगे। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। बगल में मंडल साहब प्रिंसिपल साइंस कॉलेज बैठे हुए हैं, तो तमाम लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। अभी तो दूसरा कार्यक्रम इसलिए मैं किसी विषय में नहीं प्रवेश करूंगा, लेकिन केवल आज आपका अभिनंदन है और आपसे अनुरोध है कि आप यहां बैठे और थोड़ा बच्चे को उत्साहित करें, उनका जो कार्यक्रम होगा उनको प्रोत्साहित करें और कोशिश यह करें। एक निमंत्रण आप जरूर है कि जितने लोग यहां बैठे हैं और मंच पर जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं, इनको कहेंगे कि आपका बच्चा भी आपका शिष्य भी कभी आपसे आगे बढ़ने का प्रयास करे, तभी आपके जीवन की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य श्री हम धन्य हुए आपके।